खेल के 99 पर पहुंचते हैं और जब सांप काटता है तो 0 पर पहुंच जाते हैं। यही हाल है। और हमारा हो या तेलुगु देशम पार्टी का हो, प्री पोर लाइन्स है और यह है लाइन्स फेविकोल से सटा हुआ है। आपके साथ भी रह के आपका चरित्र भी देख चुके हैं। गिद्ध की तरह आप लोग नोचते हैं, सत्ता मिला नहीं कि कैसे सत्ता को घींचते रहे, ये काम करते रहे आप लोग। अरे विधवा विलाप करने से क्या होगा? सच्चाई यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और पूर्ण बहुमत के साथ हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। कुछ दिन हम लोग इन लोगों के साथ भी थे और वहां जाके पता चला कि गिद्ध की तरह जैसे लाश को नोचने का काम ये लोग करते थे। हम लोग विदा हो गए, प्रणाम करके इधर चले आए कि भैया वही काम करते रहो। इस पहले बजट में 4.1 करोड़ रुपए 1 करोड़ लोगों के रोजगार सृजन की चर्चा है, वो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। भाई बजट पर बोलिए। और पूरा विपक्ष का जो भाषण का जो टोन है वो यह दर्शाता है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इनको पसंद नहीं आ रहा हो, ये उससे नफरत कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आप नफरत कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करिएगा? इस देश की जनता ने उनके चेहरे को पसंद किया और तीसरी बार उनको देश की सत्ता संभालने की जिम्मेवारी दी। 60 वर्ष के बाद जयप्रकाश जी, मोदी जी की उपलब्धता है कि 60 वर्ष के बाद, आजादी के बाद तीसरी बार किसी को इस देश की सत्ता संभालने का मौका मिला है। ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब सच्चाई को नहीं पचा रहे हैं, अब इस देश की जो सच्चाई है उसको ये अगर नहीं पचा पा रहे हैं तो हम लोगों का क्या दोष है भाई? सभापति महोदय ये बोल रहे हैं, कुछ दिन हम लोग इन लोगों के साथ भी थे और वहां जाके पता चला कि गिद्ध की तरह जैसे लाश को नोचने का काम ये लोग करते थे। हम लोग विदा हो गए, प्रणाम करके इधर चले आए कि भैया वही काम करते रहो। अंदर में गठबंधन के अंदर ये लोग लॉबी चलाते थे और लॉबी चला के कैसे किसका मतफटौल करावे इसकी योजना बनाते थे। लूडो पता नहीं गौरव गोगोई जी और बाकी लोगों ने खेला है कि नहीं खेला है। लूडो खेल के 99 पर पहुंचते हैं और जब सांप काटता है तो 0 पर पहुंच जाते हैं। यही हाल है। इसलिए जरा इनको मन की शांति को जितना जल्दी ये शांत कर ले और देश की सच्चाई को जितना जल्दी ये स्वीकार करेंगे उतना ही इनके लिए चैन मिलेगा, इनको भी चैन मिलेगा और देश को भी चैन मिलेगा। और इस देश में जो नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनाने का जो काम प्रारंभ किया है वो आगे बढ़ता रहेगा, उसमें व्यवधान ये नहीं डालने का प्रयास करें। तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट आया अब इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है, इनका एक एजेंडा रहता था, बेरोजगारी है इस देश में, रोजगार पर चर्चा नहीं हो रही है। इस पहले बजट में 4.1 करोड़ रुपए 1 करोड़ लोगों के रोजगार सृजन की चर्चा है, वो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो इनको दिखाई पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मन तो इनका विचलित है, मन इनका अशांत है, तो कहां से दिखाई पड़ेगा इनको? मोदी जी ने पहला बजट मोदी जी की सरकार ने पेश किया और जो पहला गुगली मोदी जी ने फेंका है इस बजट के माध्यम से, तो ये बोल्ड आउट हो चुके हैं और उसी बोल्ड आउट की छटपटाहट में ये अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं, विधवा विलाप किए जा रहे हैं। अरे विधवा विलाप करने से क्या होगा? सच्चाई यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और पूर्ण बहुमत के साथ हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। और अभी तो शुरुआत हुआ ये तो पहला साल है, अभी 5 साल देखिए, 5 साल के बाद मैदान में कहीं नजर नहीं आइएगा, वही होगा कि 99 पर सांप काटेगा और 0 पर पहुंचिएगा, यही होने वाला है।
कई लोगों ने, कई पार्टियों ने चर्चा की, कई पार्टियों ने चर्चा की, कहा कि दो राज्यों को खुश करने की बात हुई है। अरे भाई, दो राज्य को सरकार बचाने के लिए कई बात, सरकार बचाने की कौन सी बात है? ये प्री पोल अलायंस है, और हमारा हो या तेलुगु देशम पार्टी का हो, प्री पोल अलायंस है, और यह अलायंस फेविकोल से सटा हुआ है। आपके साथ भी रह के आपका चरित्र भी देख चुके हैं, गिद्ध की तरह आप लोग नोचते हैं। सत्ता मिला नहीं कि कैसे सत्ता को घींचते रहे, ये काम करते रहे आप लोग। हम लोगों ने प्रणाम किया और चल दिए। इसलिए आज जेडीयू हो या टीडीपी हो, सत्ता के साथ प्री पोल अलायंस में हम लोग सरकार में आए, और प्री पोल अलायंस 5 साल का पूर्ण बहुमत मिला है। आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। अभिषेक बनर्जी जी का भाषण पढ़ रहे थे। अच्छा, विभाग आपको ये सब, यही काम तो करते रहे आज तक आप लोग। आप लोग यही काम करते रहे। आप चेयर पर गिद्ध के तरह कैसे नोचना है, ये सब नहीं होता है यहाँ, आराम करिए। अभिषेक बनर्जी जी ने भाषण दिया और कहा कि मोदी जी का 4 जून 2024 को जो पहली सरकार बनी, रिजेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया, विच वॉज रिजेक्टेड बाई पीपल ऑफ इंडिया। वाह रे भाई, आपके आपके ज्ञान का हमको प्रशंसा करना होगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार आप कह रहे हैं कि रिजेक्टेड बाय द प्लान पीपल्स ऑफ इंडिया। वाह, पूर्ण बहुमत नहीं दिखता है इनको। अरे, सच्चाई को अभिषेक बनर्जी जी स्वीकार करना चाहिए। इन्होंने कहा क्या भाषण में, वक्त बदल गया है, वक्त बदल गया है। हाँ अभिषेक बनर्जी जी, वक्त जरूर सभापति महोदय, वक्त जरूर बदल गया है, वक्त जरूर बदल गया है, क्योंकि मोदी जी पूर्ण आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ तीसरे कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर चल चुके हैं। इसलिए वक्त बदल गया है, आपको दिखाई नहीं देता है, तो उसमें हम क्या करें। आंख का जांच कराइए और चश्मा लगाइए, दिखेगा आपको कि इस देश की जनता ने क्या किया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इनको पसंद नहीं था, तो इसलिए उनकी आलोचना में ये पूरा 3 दिन इन्होंने बिताया। अब बजट में जो प्रावधान है उसको इनको दिखाई ही नहीं पड़ा, वो देखना भी नहीं चाहते, इसलिए कि ये तो पीड़ा में है, अंदर से कष्ट में है, विचलित है। तो मन जब विचलित रहता है तो सच अच्छी बात दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए कह रहे हैं इनको। बजट के भाषण में, वित्त मंत्री जी के बजट के भाषण में साफ लिखा है, साफ लिखा है कि 9 प्राथमिकताओं के संबंध में प्रयासों की परिकल्पना की गई है, और वो 9 प्रयास देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ले जाएगा, ये इस बजट में है। मोदी जी की सरकार संकल्पी है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे, पूरी आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इसलिए इस बजट का हम समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।